हमने वेरिएंसेस के टॉपिक में कॉस्ट रिकंसीलेशन स्टेटमेंट स्टार्ट की थी और हमने उसको कॉस्ट को रिकंसाइल करके देख लिया कि बजटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में जो डिफरेंस था वो डिफरेंस किस वजह से आया। तो हमने कल ये देखा कि जो बजटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस की वजह वेरिएंसेस हैं। तो जो रिकंसीलेशन स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में हम स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट से स्टार्ट करते हैं और सारे वेरिएंसेस को लिखते हैं, लिस्ट बनाते हैं। फेवरेबल वेरिएंस हो तो फेवरेबल के कॉलम में लिख देते हैं, एडवर्स वेरिएंस हो तो एडवर्स के कॉलम में लिख देते हैं। आखिर पे जाके हम ये करते हैं कि हम ना वेरिएंसेस का टोटल करते हैं और जब वेरिएंसेस का टोटल हो जाता है तो फिर हम उसको नेट करके कॉस्ट के साथ रिकंसाइल करते हैं। तो इस तरीके से हमारी रिकंसीलेशन हो जाती है। तो रिकंसीलेशन करने से मैनेजमेंट को पता चल जाता है कि जो एक्चुअल और स्टैंडर्ड कॉस्ट में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस इस वजह से है। तो आज भी मैं रिकंसीलेशन को कंटिन्यू करता हूं। आज मैंने आपके सामने अभी स्क्रीन में एक क्वेश्चन दिखाया है, ये इलस्ट्रेशन 10 है बुक की। इलस्ट्रेशन 10 में इसका नाम है ऑपरेटिंग स्टेटमेंट। कल मैंने जो आपको स्टेटमेंट करवाई थी उसका नाम था कॉस्ट रिकंसीलेशन स्टेटमेंट। तो उसमें हम कॉस्ट को रिकंसाइल करते थे, उसका फॉर्मेट और क्वेश्चन हमने कल ही कर लिया था। आज जो मैं आपको स्टेटमेंट करवा रहा हूं इसका नाम है ऑपरेटिंग स्टेटमेंट। तो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट क्या होती है मैं पहले वो बताता हूं, फिर ये स्टेटमेंट कैसे बनेगी, इसका फॉर्मेट क्या होगा, इसमें कौन कौन सी चीजें चाहिए होंगी वो डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, और इसको पूरा लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं ऑपरेटिंग स्टेटमेंट ऑफ वेरिएंसेस। तरह कॉस्ट रिकंसीलेशन स्टेटमेंट हमने बनाई थी उसी तरह ऑपरेटिंग स्टेटमेंट भी एक ऐसी स्टेटमेंट है जो रिकंसीलेशन करती है, लेकिन किस चीज को रिकंसाइल करती है। तो मैं यहां पे पहले इसको डिफाइन करता हूं कि क्या चीज है ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं, क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। अवर टुडेज टॉपिक इज ऑपरेटिंग स्टेटमेंट ऑफ वेरिएंसेस। जस्ट ऑपरेटिंग स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं लेकिन मैं वेरिएंस का वर्ड भी साथ लिख दिया, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट ऑफ वेरिएंसेस। ऑपरेटिंग स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच रिकंसाइल्स budgeted profit with actual profit। तो हमें लर्न कर लिया कि ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में हम दो प्रॉफिट्स को रिकंसाइल करेंगे, एक बजटेड होगा और एक एक्चुअल होगा। यानी हमने एज पर बजट क्या प्रॉफिट सोचा था और एक्चुअल क्या प्रॉफिट हुआ, इनमें जो डिफरेंस आया, प्रॉफिट ज्यादा हुआ या प्रॉफिट कम हुआ, तो जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस किस वजह से आया, वो वेरिएंसेस की वजह से आया होगा। और जब हम वो सारे वेरिएंसेस एडजस्ट कर देंगे तो उसके बाद ये आपस में रिकंसाइल होंगे। तो जो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट ऑफ वेरिएंसेस है, तो इसके इसके फॉर्मेट का आइडिया हमें हो गया कि हम बजटेड प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे और हमारा आंसर एक्चुअल प्रॉफिट होगा। तो अब मैं आपके सामने वो क्वेश्चन करता हूं, फिर जब इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे। चलें जी पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। टीजी मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट जी, इट्स स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस इज 55। अब आपको सबको पता है कि स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस का क्या मतलब है। द प्रोडक्शन एंड सेल्स बजट फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2023 वाज 7500 यूनिट्स। यानी प्रोडक्शन और सेल्स जो बजटेड हैं वो हमारी पूरे क्वार्टर की 7500 है। तो ये स्टैंडर्ड प्राइस आ गई,
ये बजटेड यूनिट्स आ गए। द स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट Z कंप्राइजेस डायरेक्ट लेबर 4 hours एट द रेट $6 per hour। तो अगर हम कॉस्ट बनाना चाहें तो यहाँ पे कॉस्ट का कॉलम हम खुद से बना लेते हैं, तो ये 24 हो जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल एट द रेट 1.2 kg एट द रेट 10 per kg, दिस विल बी $12। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड 4 hours एट द रेट ऑफ $1 per hour, दिस विल बी 4। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड 75,000। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड टोटल में दिए हुए हैं, फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट में नहीं दिए हुए। और अगर हम पर यूनिट में बनाना चाहें तो हम पर यूनिट में भी बना सकते हैं। कैसे? ये आपके टोटल ओवरहेड्स हैं और आपका 7500 यूनिट्स बनाने का बजट था, तो इट मींस $10 per unit आपके बजटेड ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट है। एट द एंड ऑफ द क्वार्टर द मैनेजमेंट अकाउंटेंट शोड द फॉलोइंग प्रोडक्शन एंड सेल्स। 7700 यूनिट की कितनी प्रोडक्शन हुई, ये देखे लिखा हुआ था एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, यानी जब क्वार्टर खत्म हुआ, तो इसका मतलब है ये जो सारा डाटा था ये एक्चुअल डाटा है। अब उसने यहाँ पे वर्ड एक्चुअल डाटा का यूज नहीं किया, लेकिन उसकी वर्डिंग की ट्रांसलेशन ये बन रही है कि उसकी सेंस एक्चुअल डाटा की है। एट द एंड ऑफ द क्वार्टर द मैनेजमेंट अकाउंटेंट शोड द फॉलोइंग प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ प्रोडक्ट Z इन यूनिट 7700, एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू, ये रेवेन्यू बता दिया, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बता दी, एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बता दी, केजीज भी बता दिए, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स बता दिए और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स बता दिए। अब रिक्वायरमेंट देखते हैं। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग द बजटेड एंड एक्चुअल प्रॉफिट इन अ क्वार्टर यूजिंग अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, क्योंकि आपको पता है कि अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में और मार्जिनल कॉस्टिंग में डिफरेंस होता है। तो इसलिए उसने ए पार्ट में अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग से स्टेटमेंट बनाने को कहा है और बी पार्ट में उसने मार्जिनल से कहा है, तो हम दोनों स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। तो मैंने आपको अभी ये बताया कि आपने ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में करना ये होगा कि जो बजटेड प्रॉफिट था उसको रिकनसाइल करना है एक्चुअल प्रॉफिट के साथ। तो वो कैसे करना है वो आपको मैं सिखाता हूँ अभी। तो मुझे सबसे पहले ये बता दें कि आपको क्वेश्चन का डाटा समझ आ गया है, डाटा में कोई इशू तो नहीं है? सारे बच्चे मुझे बता दें कि डाटा आपको क्लियर है, स्टैंडर्ड डाटा भी दिया हुआ था, एक्चुअल डाटा भी दिया हुआ है। जी शाबाश, ठीक है, डाटा इज क्लियर, वेरी गुड। ऐसा करें एक्चुअल प्रॉफिट बताएं। प्रॉफिट कैसे होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो ये फिगर रेवेन्यू की है 4,24,270, इसमें से ये सारी कॉस्ट लेस करके तो एक्चुअल प्रॉफिट तो जरा कैलकुलेट करके बताएं। ये 4,24 में से लेबर की कॉस्ट माइनस कर दें, मटेरियल की कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड की और फिक्स्ड ओवरहेड की, तो यहां पे आंसर एक्चुअल प्रॉफिट का आ जाएगा। तो एक्चुअल प्रॉफिट की फिगर मुझे बता दें। अच्छा, बजटेड प्रॉफिट क्या था? बजटेड भी देख लेते हैं। ये आपकी लेबर की कॉस्ट है, ये मटेरियल की कॉस्ट है, ये वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, ये फिक्स्ड ओवरहेड है, तो इनका टोटल करें तो आपकी पर यूनिट अब्सॉर्प्शन कॉस्ट क्या आई? $24 + $12 = $36 = $40 or $50 आपने ये यूनिट कितने का बेचना था? 55 का। सेल प्राइस पर यूनिट क्वेश्चन में दी हुई थी 55, तो 50 लेस करें तो प्रॉफिट पर यूनिट कितना आ गया? $5। अब आपने बजट क्या किया था? बजट के मुताबिक आपने 7500 यूनिट बेचने थे,
तो इसका मतलब है एक यूनिट के बदले में पांच का अगर प्रॉफिट आए तो बजटेड प्रॉफिट क्या था आपका, आपने क्या बजट किया था, क्या प्लान था कि कितना प्रॉफिट होगा मुझे? 37,500, ठीक है जी, 37,500। अब आप प्लान लेके चले हैं कि मुझे 37,500 का प्रॉफिट होगा और आपको जो एक्चुअल प्रॉफिट हुआ वो 39,107 का प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब है प्रॉफिट ज्यादा हुआ। अब हमने कल पढ़ा था कि ज्यादा पे चुप नहीं कर जाना, हमने इसको भी रिकनसाइल करना है कि अगर कोई चीज ज्यादा है, अच्छी है, हमारे लिए अच्छा हुआ है, तो उसकी भी क्या वजह है। तो हम इसको रिकनसाइल करेंगे कि हमारा बजट तो ये था, हमारा एक्चुअल रिजल्ट ये आया। तो अब हम आज जो स्टेटमेंट पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ऑपरेटिंग स्टेटमेंट ऑफ वेरिएंसेस। अच्छा, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट मैं आपसे अभी शेयर करूंगा, और शेयर करने से पहले ये बता दूं कि आपको कल ये बात पता चल चुकी है कि रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में हमने सारे वेरिएंसेस को लिखना होता है। तो इसका मतलब है कि मुझे तो इस सवाल के वेरिएंसेस नहीं दिए हुए, उसने मुझे जो डाटा दिया है वो स्टैंडर्ड दिया और एक्चुअल दिया। तो मुझे तो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनाने के लिए या रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाने के लिए मेरा कॉन्सेप्ट है कि मेरे पास वेरिएंसेस होने चाहिए। तो आज मैंने जानबूझ के एक नया सवाल लिया है, मैं चाहता तो कल वाले सवाल से ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बन सकती थी, मैंने उससे नहीं बनाई। तो मैं आज एक ऐसा क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, क्वेश्चन भी नया हो जाएगा, हम सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स को वेरिएंसेस की कैलकुलेशन में कोई थोड़ी बहुत कंफ्यूजन अभी भी बाकी है, अगर इफ तो अगर कंफ्यूजन बाकी है तो वो आज वेरिएंसेस की कैलकुलेशन में अपनी कंफ्यूजन्स को भी देख लें, और उसके बाद जब हमारे पास वेरिएंसेस आ जाएंगे तो फिर हम जाके ऑपरेटिंग स्टेटमेंट के फॉर्मेट में उन वेरिएंसेस की फिगर को पुट कर देंगे। तो इसका मतलब है कि हमें पता है कि हमें सारे वेरिएंसेस चाहिए। तो जब भी मैं कहता हूं कि सारे वेरिएंस हो तो हमने क्या कैलकुलेट करना होता है, ऑल पॉसिबल वेरिएंसेस, वी नीड टू कैलकुलेट ऑल पॉसिबल वेरिएंसेस। तो जब मैं पॉसिबल वेरिएंसेस की बात करूंगा तो आपको फौरन पता है कि जिस जिस चीज का स्टैंडर्ड सेट हुआ था उसका वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो हमें अब वो सारी चीजें पता है कि कौन कौन से वेरिएंसेस कैलकुलेट होने होते हैं। सबसे पहले मटेरियल वेरिएंस कैलकुलेट होते हैं, तो मटेरियल वेरिएंसेस, और मटेरियल में सबसे पहला वेरिएंस मटेरियल यूजेज वेरिएंस होता है। आज मैं क्योंकि आपको सारा कुछ पढ़ा चुका हूं, मैं सपोज करूंगा कि आपको साथ साथ समझ आ रही है, इन केस कोई स्टूडेंट लैक करे तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दे कि मुझे ये वाली चीज बता दे। वैसे कोशिश कीजिएगा कि आपको पहली दफा ही समझ आ जाए, ऑलरेडी बहुत दफा किया हुआ है ये काम। तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस का जो फॉर्मूला था वो ये था, स्टैंडर्ड वी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। अच्छा, मैं अब आज के सवाल पे ना ज्यादा टाइम इसलिए नहीं लगाऊंगा कि फिर आपने ये सोचने लग जाना है कि सर इतना टाइम लगेगा, 10 नंबर के सवाल के लिए इतना लंबा क्वेश्चन है, तो आप देखिएगा कि टाइम कितना लगता है। तो मैं अब रेपिटिशन इस तरह की चीजों को अवॉइड करूंगा। आप सिर्फ ये समझिएगा कि सपोज करें कि आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो देखिएगा कि क्वेश्चन ज्यादा टाइम नहीं लेगा। ओके जी, मटीरियल यूजेज वेरियंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वान्टिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वान्टिटी यूज इन टू स्टैंडर्ड रेट। अब क्वेश्चन जो है वो कहता है कि मटेरियल का एक यूनिट 1.2 केजी में बनना है, तो इसका मतलब है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू 1.2 केजी इनटू एक्चुअल आउटपुट 7700, तो ये केजीज बन जाएंगे। तो 1.2 को 7700 से जब हम जरब देंगे तो ये आया 9240, और एक्चुअल केजीज कितने थे वो क्वेश्चन में दिए हुए हैं। एक्चुअल केजीज थे 8855, और मटेरियल का स्टैंडर्ड रेट जो था वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ था एट द रेट 10 पर केजी। तो इसमें से ये लेस कर देते हैं 8855,
385 आया, उसको 10 से ज़रब दी, तो आंसर आ गया जी 3850। और ये कौन सा वेरिएंस है? फेवरेबल वेरिएंस है, क्योंकि हमने एक्चुअल में थोड़ा मटेरियल यूज किया। नाउ द नेक्स्ट वेरिएंस ऑफ मटेरियल इज मटेरियल रेट वेरिएंस। रेट वेरिएंस हमें पता है कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड। स्टैंडर्ड रेट डॉलर एंड एक्चुअल रेट कैन बी फाउंड। यहां से हम एक्चुअल रेट निकाल सकते हैं डिवाइडेड बाय 8855 करके, तो 89436 डिवाइडेड बाय 8855, तो ये आया 10.100 into actual quantity purchased। अब इस question में actual quantity purchased नहीं दी हुई, तो जो used है और purchased है वो दोनों एक ही हैं, तो 8855 होगा। तो माइनस 10 करके इसको जब मल्टीप्लाई किया 8855, तो ये आया 886। इसको मैं टू द नियरेस्ट राउंड कर रहा हूँ, तो 886। तो अब ये एडवर्स वेरिएंस आ गया, क्योंकि आपको मटेरियल महंगा मिला। उसके बाद लेबर के वेरिएंसेस, तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आएगा एक, और एक रेट वेरिएंस। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हमें पता है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब आपको क्वेश्चन में पर यूनिट टाइम दिया हुआ था 4 आवर्स, तो ये 4 पर यूनिट टाइम है, तो एज पर स्टैंडर्ड एक यूनिट को 4 घंटे चाहिए, और आपने 7700 यूनिट्स बनाए, और एक्चुअल आवर्स जो हैं वो 31,570 आवर्स आपने यूज किए, और लेबर का जो स्टैंडर्ड रेट क्वेश्चन में दिया हुआ था वो है $6 पर आवर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 × 7700, तो ये आया 30,800। इसमें से 31,570 लेस कर दें, आप कैलकुलेशन साथ साथ करते जाइएगा, वैसे आज कैलकुलेटर मैंने भी रखा हुआ है, तो मुझे बेशक ना बताएं आप, बस अगर कुछ मैं गलत लिखूं तो वो बता दीजिएगा। तो ये 4620 इसका वेरिएंस आ गया, और एक्चुअल में क्योंकि आर्स ज्यादा लगे हैं तो ये एडवर्स वेरिएंस बन गया। इसी तरह लेबर का जो दूसरा वेरिएंस होता है वो लेबर रेट वेरिएंस है, उसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आर्स पेड। स्टैंडर्ड रेट ऑफ लेबर इज $6 पर आवर, एक्चुअल रेट यहां से फाइंड कर लेते हैं। आपको लेबर की कॉस्ट दी हुई है 192,577, इसको आप आर से डिवाइड कर दें 31750, तो ये आया 6.065 माइनस 6.065, तो माइनस 6 किया मल्टीप्लाइड बाय 31,750, तो ये आंसर आया 2077 डॉलर 2077, और एक्चुअल रेट ज्यादा है तो ये एडवर्स वेरिएंस है। अब इस क्वेश्चन में आर्स पेड और आर्स वर्क बराबर हैं, तो आइडल टाइम वेरिएंस नहीं है। अगर आर्स पेड और आर्स वर्क में डिफरेंस होता तो आइडल टाइम वेरिएंस आना था। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस कैलकुलेट होने, और वेरिएबल ओवरहेड्स का पहला वेरिएंस तो वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस ही है, जो कि स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इज 30,800, वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन लेबर, माइनस 31750 क्योंकि लेबर की बेस पे अब्सॉर्प्शन हो रही है, और वेरिएबल ओवरहेड्स का जो स्टैंडर्ड रेट पर आर था वो आपके सामने है $1 पर आर, तो ये $1 पर आर था, तो यहां से $1 आ गया, और इनका जो डिफरेंस होगा 30,800 माइनस 31750, दिस इज 950 into 1 $950
और एक्चुअल आवर्स ज्यादा थे तो ये एडवर्स है. नाउ द सेकंड वेरिएंस ऑफ वेरिएबल ओवरहेड इज वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस. रेट वेरिएंस का कॉन्सेप्ट है लेकिन नाम है एक्सपेंडिचर वेरिएंस. तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स वर्कड. इसमें आवर्स वर्कड ही आते हैं, ये रीजन आपको ऑलरेडी बताई हुई है. वेरिएबल ओवरहेड्स का स्टैंडर्ड रेट जो है वो $1 है और एक्चुअल रेट निकल सकता है. ये आपके एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, इसको आप आवर्स पे डिवाइड कर दें 31750 पे तो ये आपका रेट आ जाएगा 30750 डिवाइडेड बाय 31750. द रेट पर आवर इज 0.9685, तो इसको मैं 0.97 कर सकता हूँ. तो यहां से मुझे रेट मिल गया लेबर का. तो स्टैंडर्ड रेट $1 था, एक्चुअल रेट इज 0.9685 या 0.97 भी आप कर सकते हैं इन टू एक्चुअल आवर्स वर्क विच इज 31750. तो मैं कैलकुलेटर पे पूरी पूरी फिगर माइनस कर रहा हूं तो हो सकता है कि मेरा और आपका आंसर थोड़ा थोड़ा राउंडिंग की वजह से डिफर कर रहा हो, तो वो कोई इशू नहीं है. तो इसका आंसर आ गया जी $1,000 और एक्चुअल रेट क्योंकि कम था इसलिए ये फेवरेबल हुआ. ठीक है जी, तो राउंडिंग की वजह से थोड़ा बहुत फर्क अगर आपके कैलकुलेटर में आ रहा है तो वो चंद डॉलर का होगा. मैं पूरी पूरी फिगर्स माइनस कर रहा हूँ और मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा कि जब आप पेपर में इसका सोल्यूशन कर रहे हो तो आप कैलकुलेटर पे ही डिवाइड कर रहे हैं ना और मल्टीप्लाई भी, तो आप भी फुल फिगर माइनस किया करें. आपके कैलकुलेटर में वो आंसर की ऑप्शन होती है ना 1 - आंसर, तो वो फिर आप पूरी फिगर ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर पिक कर लेता है जी. तो ये वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी और वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर. तो मुझे अभी यहां तक बता दें कि ये जितने वेरिएंसेस मैंने आपको कैलकुलेट करके दिए हैं इनमें कोई इशू या कंफ्यूजन तो नहीं है. ओके, शाबाश शाबाश, ठीक है. तो ये सारे वेरिएंसेस हमने ऑलरेडी किए हुए थे आपके सामने, मैंने जरा थोड़ा स्पीडीली करा दिया लेकिन फिर भी टाइम दे रहा हूँ कि अगर आपको कुछ मसला है तो पूछ लें. तो आप सबने कहा जी ठीक है. वो 820 बेटा इसलिए आ रहा होगा कि आपने शायद वो 1 - 0.97 किया होगा ना, तो 0.03 बना और उसको जब आप 31750 से ज़रब दोगे तो वो 952 बनता है. मैंने फुल फिगर माइनस की है, ये जो भी आंसर आया 0.96 वो जो भी आ रहा था मैंने फुल फिगर कैलकुलेटर से माइनस की है तो आंसर एग्जैक्ट 1000 आता है. ठीक है, इसी वजह से इसकी राउंडिंग हुई होगी. आप कैलकुलेटर पे पूरी फिगर लें तो वो एग्जैक्ट 1000 है, या जो मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है आप इसको ही देख लें तो ये भी पूरा 1000 ही आता है. 1 - 0.9685 जो आंसर आया उसको आप 31750 से ज़रब दें तो 1000 ही आता है. जी जैनब, आपको क्लियर हो गया, आपके कैलकुलेटर पे आंसर आ गए. एक्चुअल आवर्स जो हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं, ये देखें. एक बच्चे ने कहा एक्चुअल आवर्स दिखा दें, ये हैं जी एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर 31,570. अच्छा, यहाँ पे शायद मैंने लिखने में गलती की है, 31,570 है ये, तो आई थिंक मैंने मल्टीप्लाई शायद सही किया है. ये लेबर रेट में देख लीजिएगा 31,570 है और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 31,570. तो इन फिगर्स को जरा देख लेते हैं दोबारा से. 6.065 माइनस 6
इंटू 31,570 लेबर का रेट निकल रहा था 192,577 डिवाइडेड बाय 31,570 6.1। ये लेबर का रेट आपने निकाला था, क्या आता है 31,570 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 6.1 आता है, कंफर्म कीजिएगा। 192,577 डिवाइडेड बाय 31,570 6.1 पूरा आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 6.1 लिखेंगे, ये लेबर रेट वेरिएंस। जी वो फिगर मेरा ख्याल है आगे पीछे होने की वजह से, तो 6.1 माइनस 6 किया 0.1 बचा इंटू 31,570 तो ये आया 31,57। और है ये एडवर्स ही है, मैं इसीलिए आपको कह रहा था आप साथ साथ कैलकुलेशंस करते जाएं, आप बस कंफर्म करें कि मैं फिगर सही लिख रहा हूं। जी ठीक हो गया। अब उसके बाद अगला वेरिएंस हमने ये कैलकुलेट किया है, यहां भी मेरा ख्याल है मैं 750 लिख गया हूं जबकि ये था 570, तो 30,800 माइनस 3,157 तो ये 770 आता है। और ये भी देख लें 1-0.9685 इंटू 31,570 तो ये 995 आता है। अच्छा एक स्टूडेंट ने पूछा बेटा बार बार एक ही बात पूछेंगे तो ये 30,800 कहाँ से आया, ये क्या था स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट आपने ये ऑलरेडी कैलकुलेट किए नहीं है कि पर यूनिट टाइम 4 है और उसको एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई करने, और पर यूनिट टाइम कहाँ से पता चला, ये उसने लिखा हुआ है कि वेरिएबल ओवरहेड्स का पर यूनिट टाइम 4 है, तो वो मैंने क्योंकि वर्किंग ऑलरेडी लेबर में कर ली थी मैंने यहाँ पे सीधा सीधा लिख लिया, तो इतना तो याद रखें यार। जी ये क्लियर है जी सबको, यहां तक आप बता दें। पे भी ये रेट जरा एक दफा देख लें, यहाँ पे भी हमने मेरा ख्याल है 750 लिया है जबकि ये 570 था, 31,570 तो 30,750 डिवाइडेड बाय 31,570 तो ये आया 0.974 तो ये वेरिएबल ओवरहेड्स में मैंने जो रेट लिखा यहां मुझे लिखना चाहिए 0.974 तो इसमें से माइनस करूं और फिर 31,570 से जरब दूं तो ये 820 आता है। आप लोग अच्छी कैलकुलेशन चेक कर रहे हैं। जी तो हमने मटेरियल के वेरिएंस, लेबर के वेरिएंस और वेरिएबल ओवरहेड्स के वेरिएंस फाइंड कर लिए।
जी मैंने हसन चेंज कर लिया है वेरिएबल ओवरहेड का एक्चुअल रेट। जी शाबाश, ठीक हो गया। अब हम फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस की तरफ जाते हैं। तो फिक्स्ड ओवरहेड के जो वेरिएंसेस थे, यहां पे कैलकुलेट कर लेता हूं। तो अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम में हम पहले स्टेटमेंट बनाएंगे ना, तो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस, तो फिक्स्ड ओवरहेड्स के भी दो वेरिएंसेस हैं, एक फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, तो इसका फॉर्मूला सिंपल था, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट। बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट उसने हमें क्वेश्चन में खुद ही बताई हुई थी, 75,000 टोटल में ही बताया हुआ था, और एक्चुअल जो है वो भी बता दी हुई है 72,400। तो ये इसका डिफरेंस ले लेते हैं, तो ये एक्चुअल कॉस्ट कम है तो ये फेवरेबल है, 75,000 माइनस 72,400 तो ये 2,600 फेवरेबल होगा। अच्छा, फिक्स्ड ओवरहेड का दूसरा वेरिएंस होता है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। लेकिन आपको ये पता है कि वॉल्यूम के दो हिस्से हो सकते हैं, एफिशिएंसी और कैपेसिटी। तो जब हमने बात की थी कि ऑल पॉसिबल वेरिएंसेस, तो पॉसिबल है ना कि एफिशिएंसी और कैपेसिटी फाइंड की जा सके, तो मैंने फिर एफिशिएंसी और कैपेसिटी ही फाइंड करनी है। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी, तो फॉर्मूला था स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क, तो ये एफिशिएंसी हो गई, इनटू ओवरहेड अब्सॉर्प्शन रेट पर आवर, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर आवर्स है तो रेट पर आवर चाहिए हमें, और स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट ऑलरेडी फाइंड किए हुए हैं 30,800, और एक्चुअल आवर्स उसने दिए हुए हैं 31,570, और ओवरहेड अब्सॉर्प्शन रेट पर आवर नहीं दिया। लेकिन आपको याद होगा जब आप पर आवर रेट फाइंड करते होते थे तो आप बजटेड ओवरहेड लेते थे डिवाइडेड बाय बजटेड बेस लेते थे। अब बेस आपने आवर्स लेनी है, तो आपके एक यूनिट को 4 घंटे लेबर के चाहिए, और बजट के मुताबिक आपने 7,500 यूनिट्स बनाने थे, तो यहां से आप ओवरहेड अब्सॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कर लेंगे। तो 75,000 को आपने डिवाइड करना है, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने अलहदा वर्किंग करने की बजाय मैंने यहाँ ही साथ ही लिख दी है, तो ये बेसिकली जो चीज साथ में लिखी हुई है वो ओ ए आर फाइंड करने के लिए लिखा है। तो ये 30,000 बनता है जी, और 75,000 को 30,000 से जब डिवाइड करेंगे तो वो यही चीज आएगी। तो हमने इसकी वर्किंग जो है वो यहाँ पे कर ली, क्योंकि दिया नहीं हुआ था डायरेक्टली। तो 75,000 को जब 30,000 से डिवाइड करेंगे तो ये जो आंसर आएगा ये 2.5 आता है। तो ये 30,800 माइनस 31,570, तो ये 770 आया, इनटू 2.5 किया, तो आंसर आपका बन गया जी 1925 एडवर्स, क्योंकि आपने ज्यादा टाइम में प्रोडक्शन की है। जी बता दें, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस और एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्लियर है? अगर क्लियर है तो फिर हम कैपेसिटी वेरिएंस पे चलते हैं जी। फिक्स्ड ओवरहेड का जो थर्ड वेरिएंस है वो है फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, और फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया हुआ है, बजटेड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू ओवरहेड अब्सॉर्प्शन रेट पर आवर। बजटेड आवर्स आर 30,000, ये हमने फाइंड कर लिए हैं ऊपर, और एक्चुअल आवर्स आर 31,570 इनटू ओवरहेड अब्सॉर्प्शन रेट भी हम फाइंड कर चुके हैं पर आवर,
इनका डिफरेंस ले लिया 770 आता है इंटू 2.5 की है, नहीं इसका 770 नहीं आता, 30,000 माइनस 315,70 तो ये 1570 आता है, इसको 2.5 से जरब दी तो ये आया $3,925। और ये कैपेसिटी वेरिएंस है, आपने बजट किया था कि आपके वर्कर्स 30,000 घंटे काम करेंगे लेकिन उन्होंने ज्यादा घंटे काम कर लिया तो उनकी कैपेसिटी अच्छी है, तो ये कैपेसिटी वेरिएंस था तो ये फेवरेबल माना जाए। हसन आपने कहा है $4 का रेट किसका है, $4 कहाँ यूज हुए हैं, $4 नहीं कहीं पे यूज हुए, ये 4 आवर्स हैं लेबर के, आवर्स 4 हैं, ओवरहेड लेबर की बेस पे अब्सॉर्ब कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख लें क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो ओवरहेड्स हैं वो 4 है, और वैसे भी आपको मैंने बताया था कि अगर लेबर के आर्स भी 4 हो इसके भी और हो तो 4 हो तो अंडरस्टूड है कि लेबर की बेस पे अब्सॉर्प्शन हो रही है, तो मैंने वही कॉन्सेप्ट यूज किया कि एक यूनिट के लिए 4 घंटे यूज होंगे तो एज पर बजट इसके कितने आर्स थे, तो ये 4 जो है ये आर्स हैं, 7500 से किया तो ये 30,000 आर्स बने और ये ऊपर वाली रकम डॉलर में है तभी तो आंसर 2.5 पर आर बना। इतने बड़े तो हो जाओ यार अब जी। तो फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, तो ये वेरिएंसेस आ गए, हमने कॉस्ट के सारे वेरिएंसेस फाइंड कर लिए, अब रह गया रेवेन्यू के वेरिएंसेस, सेल्स के वेरिएंसेस। तो सेल्स वेरिएंसेस, तो सेल्स में पहला वेरिएंस था सेल्स प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड सेल प्राइस माइनस एक्चुअल सेल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। स्टैंडर्ड सेल प्राइस इज 75 आई थिंक क्वेश्चन में गिवन, नहीं 55, मैं देख भी लेता हूं एक दफा, 55 ही है जी, 55 है स्टैंडर्ड सेल प्राइस इज 55। व्हाट इज द एक्चुअल सेल प्राइस, तो एक्चुअल सेल प्राइस निकल सकती है इस फिगर से, ये रेवेन्यू है 4 to 4 270 डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स 7700 तो ये आया 55.1, तो एक्चुअल सेल प्राइस जो है वो 55.1 आ गए, माइनस 55.1 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड 7700 तो ये 0.1 आया, तो ये आंसर बन गया जी 770। अब एक्चुअल प्राइस क्योंकि ज्यादा है तो ये फेवरेबल होगा। अब उसके बाद सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, तो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस जो है वो मैंने आपको कल बताया था कि नॉर्मली या प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है या कंट्रीब्यूशन पे, तो अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम है तो जाहिर बात है बेस्ड ऑन प्रॉफिट लेंगे, तो वॉल्यूम वेरिएंस में दोनों वॉल्यूम का डिफरेंस आता है, तो बजटेड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स इनटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट, क्योंकि मैं बेस्ड ऑन प्रॉफिट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो बजटेड सेल्स आर 7500, एक्चुअल सेल्स आर 7700 एंड बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट आई थिंक वी कैलकुलेटेड इट 5। यहाँ हमने शुरू में कैलकुलेट किया था जी, बिल्कुल 5 है, बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट इज 5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 200 जब मल्टीप्लाई होगा 5 से तो ये 1000 आंसर आएगा, और एक्चुअल वॉल्यूम ज्यादा है तो अच्छी बात है, ये फेवरेबल होगा, 1000 फेवरेबल।
तो ये वॉल्यूम वेरियंस भी कैलकुलेट हो गया। अब मार्जिनल कॉस्टिंग में हमें यही चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी कॉन्ट्रीब्यूशन की बेस पे, सेल्स वॉल्यूम वेरियंस बेस्ड ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इसका फॉर्मूला भी आपको कल लिखवाया था मैंने, बजटेड सेल्स 7500 माइनस 7700 एक्चुअल सेल्स इनटू स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन को शो कराता हूं, मुझे जरा इसका आंसर तो बताइएगा कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना बनता है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपने मुझे स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की फिगर शेयर करनी है मेरे साथ, बताइएगा। जी आज माशाल्लाह सारे बच्चों ने सही बताया, 2-3 स्टूडेंट्स ने गलत बताया, कल ज्यादा गलत वाले लोग थे। अब जिन्होंने 2 ने गलत बताया ना, उनको अपने बारे में अपनी असेसमेंट करनी चाहिए कि वो इतने लापरवाह क्यों हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला था सेल प्राइस माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट। अब मैं ग्रीन से इसको टिक करता हूँ, वेरिएबल को 24 वेरिएबल है, लेबर की कॉस्ट है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, इन सब को ऐड कर लो तो ये बना कितना बन जाएगा 40। तो सेल प्राइस में से 40 को माइनस करो तो 15 आता है। अब जिसने मुझे 14 बताया है या 10 बताया है उसका क्या किया जाए, 15 वाले शाबाश, आप लोगों का आंसर ठीक है। जी जिन्होंने गलत बताया था उनको समझ आ गई। ओके तो 15 आ गया जी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो 15 आ गया, तो हम उसको यहां पे यूज करेंगे। तो ये चीज 15 हुई, तो 200 को जब 15 से जरब देंगे तो ये आ गया 3000 फेवरेबल। अच्छा अब एक स्टूडेंट ने कहा कि सर फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस एडवर्स है, तो अब उस स्टूडेंट से गुजारिश है कि जरा स्क्रीन को देखे कि कैपेसिटी वेरिएंस होता है कि आपके बजटेड आवर्स कितने थे और आपके एक्चुअल आवर्स कितने हैं। तो ये आंसर माइनस में आया और ये मैंने लिखा फेवरेबल, और उस स्टूडेंट ने कहा है कि ये एडवर्स है। अब वो स्टूडेंट ध्यान से सुन ले कि आपने बजट किया था कि 30,000 आवर्स आपके वर्कर काम करेंगे और वो वर्कर इतने अच्छे निकले कि उन्होंने 30,000 से ज्यादा काम किया। दिस इज कैपेसिटी, स्टेमिना, एबिलिटी टू डू वर्क। तो उन्होंने, उनकी एबिलिटी ज्यादा है, उनका स्टेमिना ज्यादा घंटे काम करने का है, तो ये फेवरेबल है, ये अच्छी बात है, ये एडवर्स नहीं है। तो चले ठीक है जी, अब हमने सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट कर लिए बच्चों। अब हमने बनानी है ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, और ऑपरेटिंग स्टेटमेंट जो है वो हम बनाते हैं, आप ऐसा करें कि ब्रेक कर लें और उसके बाद हम वेरिएंस जो है वो बना लेते हैं, या पहले बना के ब्रेक कर लें, ऐसा करते हैं बना के ब्रेक कर लेते हैं, 5 मिनट का काम ही है। अगर के मुझे बताएं जरा,
चलिए ठीक है जी, मेजोरिटी यही कह रही है कि बना लें, ठीक हो गया। चलें जी, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट जो है वो हम बनाते हैं। स्क्रीन आपके सामने ही है मेरा तो ख्याल है, स्क्रीन नजर आ रही है ना? ओके, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट ऑफ वेरिएंसेस, हेडिंग बन गई इसकी। और कौन से सिस्टम में? अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में, अंडर अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। दोनों में फॉर्मेट थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, इसलिए सिस्टम का मेंशन करना जरूरी है। तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें आप बजटेड प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे। तो बजटेड प्रॉफिट जो है वो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे कि पर यूनिट प्रॉफिट 5 है और एज पर बजट हमने 7500 यूनिट्स बनाने हैं। तो हमने बजटेड प्रॉफिट जो है 37500 मेरा ख्याल है निकाला था। तो हमने ये फिगर लिख दी यहाँ पे। अब इसके अंदर आपने सारे वेरिएंसेस एडजस्ट करने हैं। तो वेरिएंसेस में आपने सबसे पहले सेल्स के वेरिएंसेस एडजस्ट करने हैं। मैं बात कर रहा था कि आपने वेरिएंसेस में सबसे पहले सेल्स के वेरिएंसेस एडजस्ट करने हैं। तो जब हम सेल्स के वेरिएंसेस एडजस्ट करेंगे तो सेल्स के हमने दो वेरिएंसेस फाइंड किए थे। सबसे पहले सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। अच्छा, वॉल्यूम वेरिएंस आपने अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में कौन सा लेना होता है? बेस्ड ऑन प्रॉफिट वाला। ये मैं ब्रैकेट में समझाने के लिए लिख रहा हूं। और वो था 1000 फेवरेबल। अच्छा, अब बात गौर से सुनिएगा कि वेरिएंस फेवरेबल होना अच्छा होता है। तो इसका मतलब है वो आपके प्रॉफिट को बढ़ाएगा। मैं रिपीट करता हूं, कोई भी वेरिएंस उसका फेवरेबल होना अच्छा है। और अच्छा कब होता है? जब आपका प्रॉफिट बढ़े, तो इसका मतलब है फेवरेबल वेरिएंस ऐड होगा। तो ये जो आंसर आया 38500, इसको नाम दिया जाता है स्टैंडर्ड प्रॉफिट ऑन एक्चुअल सेल्स या ऑन एक्चुअल वॉल्यूम। ये टर्म मैं इसलिए लिखवा रहा हूं कि कभी कभी वो एमसीक्यू में आपको ये दे देता है कि स्टैंडर्ड प्रॉफिट ऑन एक्चुअल वॉल्यूम इतना है। तो इसका मतलब है आपने वॉल्यूम वेरिएंस ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया है। ये बात आपने याद रखनी है। ये पेपर में बड़ा ट्रिक देता है वो, कि वो बजटेड प्रॉफिट की बजाय शॉर्ट क्वेश्चन में स्टैंडर्ड प्रॉफिट ऑन एक्चुअल वॉल्यूम का वर्ड यूज करता है। तो जब वो लिख दे कि स्टैंडर्ड प्रॉफिट है, लेकिन किसकी बेस पे? ऑन एक्चुअल वॉल्यूम, यानी वो वॉल्यूम वेरिएंस को एडजस्ट कर चुका है। ठीक है, इस टर्मिनोलॉजी को याद रखिएगा। और उसके बाद आपने फिर सेल्स प्राइस वेरिएंस एडजस्ट करना है। और प्राइस वेरिएंस का आंसर आपने निकाला था 770 फेवरेबल। तो अगेन ये भी ऐड हो जाएगा। तो अगर हम इसको ऐड करें तो ये आएगा 39270। तो इस चीज को नाम दिया जाता है एक्चुअल सेल्स लेस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स। यानी मैं सेल्स प्राइस वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस दोनों एडजस्ट कर चुका हूं, तो एक्चुअल सेल्स बन गई है
लेकिन अभी कॉस्ट वेरियंसेस लेस नहीं हुए, एडजस्ट नहीं हुए, इसलिए मैंने कॉस्ट के साथ वर्ड लिखा स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये टर्मिनोलॉजी आपने दोनों याद रखनी है कि अगर वो वर्ड दे देता है एमसीक्यू में कि एक्चुअल सेल्स लेस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो इसका मतलब है कि दोनों सेल्स के वेरियंसेस एडजस्ट हो चुके। अब इसके बाद आपने कॉस्ट वेरियंसेस की लिस्ट बनानी है, और कॉस्ट वेरियंसेस की लिस्ट बनाने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप खुद से ही लिख लें सारे वेरियंसेस के नाम। तो मैं वेरियंसेस के नाम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, मटेरियल यूजेज वेरियंस, मटेरियल प्राइस वेरियंस, देन लेबर एफिशिएंसी वेरियंस, लेबर रेट वेरियंस। आइडल टाइम इस क्वेश्चन में है नहीं तो बेशक ना लिखें। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस और वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरियंस, देन फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरियंस, देन फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरियंस। तो यही सारे वेरियंसेस थे जो हमने फाइंड आउट किए, अब हमने उनकी फिगर्स लिखनी है। तो जो मटेरियल का यूजेज वेरियंस था वो आपने कैलकुलेट किया था 3850, फेवरेबल था वो। मैं आपको दिखा देता हूं, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कुछ फिगर जी, 3850। और जो मटेरियल प्राइस वेरियंस है जिसको रेट वेरियंस मैंने लिखा हुआ है वो 886 एडवर्स है, तो इसको 886 एडवर्स के कॉलम में लिख देंगे। लेबर रेट वेरियंस और एफिशिएंसी वेरियंस भी हमने दोनों कैलकुलेट किए थे। एफिशिएंसी वेरियंस है 4620 एडवर्स और रेट वेरियंस है 3157। ये चेक कर लें जरा, 3157 और 4620, ये दोनों एडवर्स थे। और फिर वेरिएबल ओवरहेड वेरियंस में एफिशिएंसी वेरियंस है 770 एडवर्स और 820 फेवरेबल, तो मैं इनको भी लिख देता हूँ। एक्सपेंडिचर वेरियंस और एफिशिएंसी, एफिशिएंसी वेरियंस 770 एडवर्स और एक्सपेंडिचर वेरियंस 820 फेवरेबल। एक्सपेंडिचर वेरियंस फिक्स्ड ओवरहेड का वो हमने कैलकुलेट किया था 2600 फेवरेबल, तो ये 2600 फेवरेबल हो गया। फिक्स्ड ओवरहेड की एफिशिएंसी एडवर्स होगी क्योंकि बाकी सारी एफिशिएंसीज एडवर्स हैं, तो फिक्स्ड ओवरहेड भी एडवर्स ही है, और वैसे भी देखा जाए तो एडवर्स ही है, 1925। और कैपेसिटी वेरियंस अभी डिस्कस हुआ था कि फेवरेबल है, और 3925 फेवरेबल है। अब ये कॉस्ट के वेरियंसेस को टोटल करें, तो फेवरेबल को टोटल करें कितना आता है, नाइन टू सेवन जीरो। और ये एडवर्स का टोटल किया है किसी ने, एडवर्स के टोटल अक्सर लोगों के डिफरेंट हैं, जरा दोबारा से चेक कर लीजिएगा। अच्छा, फेवरेबल भी गलत दिखवाया मुझे, अब बेटा कैलकुलेट टोटल तो सही किया करें। फेवरेबल का टोटल आप बता रहे हैं, बाकी बच्चे चेक कर लीजिएगा, 1195, ये जरा देखिएगा कि इतना ही बनता है। और एडवर्स का मैंने खुद किया है 11358।
जी ठीक हो गया। ये जो अब हमने फिगर्स लिखी हैं ये बिल्कुल ठीक हैं। अब इनमें से बड़ी रकम जो है वो कौन सी है? एडवर्स वाली बड़ी है ना, तो इसमें से ये लेस कर देते हैं 111.95, तो 163 एडवर्स बच गया। और अब बताइए कि इस फिगर में 39270 में मैं 163 एडवर्स को लेस करूं या ऐड करूं? देखा, मैंने आज आपको फंसा लिया ना। फिर लेस ऐड, लेस ऐड, ऐड लेस, काफी ऐड वाले भी हैं, काफी लेस वाले भी हैं। अब दोनों में से एक सही होगा। अगर मैं रीजन के साथ बोलता तो आपने सही जवाब देना था, लेकिन मैंने रीजन नहीं पूछी, मैंने सिंपल पूछा कि क्या करूं। अब कल का रट्टा लगा हुआ है कि एडवर्स को ऐड करना है, तो उन्होंने आज भी कह दिया कि एडवर्स को ऐड करें, दिमाग यूज नहीं किया। और मैं आपको बार बार कहता रहा हूं कि आपने हमेशा हर सिचुएशन में दिमाग यूज करना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वर्ड बोले थे, मैं वही एग्जैक्ट वर्ड रिपीट कर रहा हूं। वो वर्ड्स क्या थे? अगर एडवर्स वेरिएंस हो किसी भी चीज का तो वो प्रॉफिट को कम करता है, और अगर फेवरेबल वेरिएंस हो तो वो प्रॉफिट को बढ़ाता है। ये थोड़ी देर पहले बोल के आया हूं। आज हम प्रॉफिट से स्टार्ट किया हुआ है, तो एडवर्स वेरिएंस हमारे प्रॉफिट को कम करेगा। एडवर्स वेरिएंस हमारे प्रॉफिट को कम करेगा। तो जिन्होंने लेस कहा है ना, उन्होंने बिल्कुल सही दिमाग से सोचा है। जिन्होंने ऐड किया, उन्होंने कल वाला याद रखा। कल के सवाल में एडवर्स वेरिएंस लेस हुआ था, वो कॉस्ट थी, वो कॉस्ट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट थी, तो रट्टा ना लगाएं। तो ये आया कि जब हम इसे लेस करेंगे तो ये बनेगा कितना? बनता है इसको लेस करके बताइए। और ये मैंने कहा था कि ये क्या बनेगा, ये एक्चुअल प्रॉफिट बनेगा। पहले तो फिगर लिखते हैं 39107। अब एक्चुअल प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया था क्वेश्चन के स्टार्ट में 39107, तो देखें इतनी लंबी कैलकुलेशन, और $1 का भी डिफरेंस नहीं है। राउंडिंग की वजह से भी इंपैक्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं फुल फिगर्स लेता रहा हूं, राउंडिंग को मैंने इग्नोर किया। तो मेरा आंसर एग्जैक्ट टैली है। तो इसका एग्जैक्ट टैली होना ये साबित करता है कि मेरा ये सारी कैलकुलेशन सही है, और बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट में जो रीजन है डिफरेंस की, वो ये सारे वेरिएंसेस हैं। उनमें कुछ सेल्स के हैं, कुछ कॉस्ट के हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने सॉल्व किया है, इसके कम से कम मार्क्स 20 होते हैं पेपर में, ठीक है? क्योंकि 20 इसलिए कि वो वेरिएंस भी मैंने कैलकुलेट किया और मैंने स्टेटमेंट भी बनाई, तो पेपर में तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन ही कोई नहीं है। इसका मतलब है वो 10 मार्क्स के हिसाब से आपको देगा, तो वो वेरिएंस कैलकुलेट कर देता है खुद ही, ठीक है? मेजॉरिटी ऑफ द वेरिएंसेस क्वेश्चन में खुद ही बता देता है। और इन केस 10 नंबर के लिए भी ये आ जाए, तो फिर बाकी सवाल ऐसे होंगे कि वो या तो मोस्टली थ्योरेटिकल होंगे, आपका टाइम एग्जामिनर ने वेल मैनेज किया होता है कि अगर मैं इसे एक क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग दे रहा हूं, तो मैं इसको दूसरे सवाल वो सिलेक्ट करेगा सॉफ्टवेयर जो कम टाइम वाले होंगे। तो इसलिए ये चीजें आपने नहीं सोचनी कि ये इतनी लंबी कैलकुलेशन आएगी कि नहीं। कुछ लोग इसको छोड़ देते हैं पेपर में जाने से पहले, वो खुद ही अपनी साइंस लगाते हैं, वो कहते हैं ये तो बहुत लंबा सवाल है, ये नहीं आना हमें। तो आपने छोड़ना कुछ नहीं है, क्लियर जी? तो इसीलिए कल का जो क्वेश्चन था उसमें वेरिएंस सारे दिए हुए थे, और मैंने जस्ट फॉर्मेट में पुट किया। मोस्टली आईसीएमए के पेपर में
वो यही देता है कि वेरियंसिस खुद से दे देता है और कहता है रिकंसाइल कर दो, तो बस आपने उसे राइट प्लेस पे लिखना होता है। और अगर वो सारे वेरियंसिस पूछ ले तो फिर वो स्टेटमेंट नहीं बनवाता, तो वो बस वेरियंस की कैलकुलेशन तक ही रखता है। तो वो जो दो जो भी चीज वो पूछे तो वो आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये हमने ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनाई, और अगर यही आपका रिटन पेपर होता तो ये एग्जामिनर हमारे दौर में ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता था कि ये सारा डाटा देता था और कहता था ये स्टेटमेंट बना दो। जी आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो मेरे से पूछ लें। और ये तो इतनी डिस्कशन होती रही है ना क्वेश्चन में, और अगर आप इंडिपेंडेंटली करें तो ये 20-25 मिनट 20 मिनट भी काफी है, हो जाएगा। और डिपेंड करता है कि आप कितने स्पीड से कैलकुलेशंस करते हैं। चलें सारा कुछ क्लियर है तो अब आप ब्रेक करें, ब्रेक के बाद हम इसको मार्जिनल कॉस्टिंग वाली स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। तो ब्रेक के बाद करते हैं जी।
जी स्टार्ट करते हैं जी। तहा आपके क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आई। आपने पूछा है सर सेल प्राइस वेरिएंस में एक्चुअल वेरिएंस बता दें। तहा आपके क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आई कि सेल प्राइस वेरिएंस में एक्चुअल वेरिएंस बता दें, ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? अगर आप इस स्टेटमेंट को कुछ ठीक करके बताएंगे तो मैं जवाब दे देता हूं। जी बच्चों बताएं, शुरू करें जी ब्रेक के बाद। जी ठीक है जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक्चुअल सेल प्राइस कैसे आई ये समझ नहीं आ रहा यार, इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन या तो ध्यान किया करें पहली दफा, अदरवाइज थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज किया करें। सेल प्राइस कहाँ से निकल सकती है? एक्चुअल सेल प्राइस एक्चुअल डाटा से निकलेगी। तो सेल से रिलेटेड डाटा ये लिखा हुआ है कि 424,270 रेवेन्यू था और आपने एक्चुअल कितने यूनिट बेचे, ये भी कहीं लिखा हुआ है ना? तो एक्चुअल यूनिट्स जो हैं वो उसने कहां पे दिए हुए हैं वो देख लें। सेवेंटी सेवन हंड्रेड थे ना? नजर आए कि नहीं? कहा 7700 एक्चुअल यूनिट्स थे तो हमने उसको डिवाइड कर दिया तो बस वहां से वो एक्चुअल सेल प्राइस निकल आई। ओके अब हमने ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनानी है मार्जिनल कॉस्टिंग में। तो जिस तरह इसका फॉर्मेट था उसका भी एक फॉर्मेट है। तो अब मैं वर्किंग सारी कर चुका हूँ, अब हमने जस्ट फॉर्मेट में वैल्यूज पुट करनी है। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ ऑपरेटिंग स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम, यानी किस सिस्टम में बना रहे हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम में। और अगर टाइम पीरियड दिया हुआ है तो वो भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ था फॉर द क्वार्टर एंडेड 31st March 2023, जो भी डेट उसने दी थी वो भी लिख सकते हैं। तो ऊपर वाले फॉर्मेट में भी तीसरी चीज डेट की आनी चाहिए। अब हमने कहा था कि ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में बजटेड प्रॉफिट से शुरू करना है और एक्चुअल प्रॉफिट पे एंड करना है। तो बजटेड प्रॉफिट हमने फाइंड किया हुआ है ऑलरेडी 37,500। अब इसके अंदर हमने बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट ऐड करनी है। तो बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट इसमें ऐड करें अगर 75,000 तो ये जो आंसर बनेगा इसको नाम दिया जाता है बजटेड कंट्रीब्यूशन। तो बजटेड कंट्रीब्यूशन आपका कितना बन जाएगा? 75,000 ऐड हुआ इसमें 37,500 प्लस 75,000 तो ये बना 112,500। अच्छा अगर हम इसको डायरेक्ट फाइंड करते तो ये भी देख लें, ये डायरेक्ट भी इतना ही आता है। आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 15 कहा था ना और आपने यूनिट बजट किए थे 7500 सेल करने के, तो जरा देखिए ये वही आंसर आता है। तो इसका मतलब है कि हमने आज एक और कॉन्सेप्ट सीख लिया कि अगर प्रॉफिट के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट ऐड करें तो वो कंट्रीब्यूशन बनता है।
प्रॉफिट के अंदर हम फिक्स्ड कॉस्ट ऐड कर दें तो वो कंट्रीब्यूशन होता है, अगर टोटल टोटल में ऐड करें तो टोटल में आंसर बन जाता है, और अगर पर यूनिट में ऐड करें तो भी टोटल बन जाता है, पर यूनिट बन जाता है। जैसे आपने पर यूनिट प्रॉफिट कितना निकाला था इस क्वेश्चन में, 5, और पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी, 10, तो 5 और 10 15, तो क्या पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन 15 ही था ना। तो बेशक पर यूनिट में प्रॉफिट के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट ऐड कर दें तो वो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन बन जाता है। यानी कॉन्ट्रीब्यूशन निकालने का एक तरीका तो है कि आप सेल प्राइस माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट करें, और एक तरीका फिर ये भी है कि प्रॉफिट में फिक्स्ड कॉस्ट ऐड कर दें तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। तो मुझे ये बता दें कि ये बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन तक आपको क्लियर हो गया। मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन इसलिए निकाला कि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन फाइंड करते होते हैं, तो इसीलिए मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन भी शो कराना है। ओके, तो ये बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। अब उसके बाद हमने सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, और आपको याद होगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग में वॉल्यूम वेरिएंस कौन सा लेना होता है, बेस्ड ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन, और मैंने इसकी वर्किंग ऑलरेडी कर दी थी 3000 फेवरेबल, और फेवरेबल की वजह से आपका कॉन्ट्रीब्यूशन या प्रॉफिट बढ़ता होता है। तो जब हम इसे एडजस्ट करेंगे तो 115,500 आएगा, और इसको क्या नाम देंगे, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन एक्चुअल सेल्स, जिस तरह उधर नाम दिया था स्टैंडर्ड प्रॉफिट ऑन एक्चुअल सेल्स। तो यहां पे मार्जिनल कॉस्टिंग है तो इसका नाम होगा स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन एक्चुअल सेल्स, यानी मैं वॉल्यूम एडजस्ट कर चुका हूं, और फिर सेल्स प्राइस वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस जो है वो हमने 770 फेवरेबल फाइंड किया था, तो अगेन ये फिगर भी ऐड हो जाएगी। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये जो टोटल बनेगा वो बनेगा 116,270, और इसको क्या नाम देंगे, एक्चुअल सेल्स लेस स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल्स। उधर अब्सॉर्प्शन थी तो वो अब्सॉर्प्शन कॉस्ट ऑफ सेल लेस करते थे, यहां पे वर्ड है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये दोनों टर्मिनोलॉजीज आपको मैंने इसलिए लिखवाई हैं कि एमसीक्यूज के अंदर वो ये टर्मिनोलॉजीज देता है, और फिर स्टूडेंट जिसको इस टर्मिनोलॉजी का नहीं पता होता वो सवाल गलत हल कर लेता है। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि अगर उसने वर्ड यूज किया हो स्टैंडर्ड प्रॉफिट या स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन एक्चुअल सेल्स, तो इसका मतलब है वॉल्यूम वेरिएंस एडजस्ट हो गया, और अगर उसने वर्ड यूज किया हो एक्चुअल सेल्स लेस स्टैंडर्ड मार्जिनल या अब्सॉर्प्शन कॉस्ट ऑफ सेल, तो फिर इसका मतलब है कि सेल्स के दोनों वेरियंसिस ऑलरेडी एडजस्ट हैं, तो उसने डाटा में दिए भी हुए हैं तो नो नीड टू एडजस्ट इट अगेन। ओके, तो इतना काम करने के बाद हमने कॉस्ट के वेरियंसिस की लिस्ट बनानी है, और वो वेरियंसिस हमें ऑलरेडी हमने फाइंड किए हुए हैं, जस्ट हमने वो लिस्ट तैयार करनी है। तो हमने लिस्ट में मटेरियल यूजेज वेरियंस, मटेरियल प्राइस वेरियंस, लेबर एफिशिएंसी वेरियंस, लेबर रेट वेरियंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस, वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरियंस या एक्सपेंडिचर लिखना चाहिए इसको, जो वर्ड यूज होता है वही लिखने की आदत डालते हैं, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरियंस। अच्छा, मार्जिनल में फिक्स्ड ओवरहेड के कितने वेरियंस होते हैं, सिर्फ एक वेरियंस होता है मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम में, फिक्स्ड ओवरहेड का सिर्फ एक ही वेरियंस होता है और उसका नाम होता है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर। ये मैं कॉन्सेप्ट आपको 2-3 दिन पहले, ईद से पहले बता चुका हूं, तो इसलिए यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग स्टेटमेंट में आपने फिक्स्ड ओवरहेड की एफिशिएंसी और कैपेसिटी नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, कि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम फिक्स्ड ओवरहेड की एफिशिएंसी और कैपेसिटी को फाइंड आउट ही नहीं करते। जी ठीक है,
अब यूजेज वेरिएंस जो है मटेरियल का यूजेज वेरिएंस वो हमने फाइंड किया हुआ है 3850 था फेवरेबल और प्राइस वेरिएंस जो था वो 886 था एडवर्स. लेबर का रेट वेरिएंस जो है वो 3157 एडवर्स था. एफिशिएंसी वेरिएंस मैं भूल गया हूँ जी 4620 एडवर्स वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर. तो ये भी हम देख लेते हैं कि ये कितना है. $820 एक्सपेंडिचर फेवरेबल है और एफिशिएंसी 770 एडवर्स है. ये 770 एडवर्स है और ये 820 आपका फेवरेबल है. अच्छा ये फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस आना है लेकिन अभी नहीं है इसको लेके आना क्योंकि मैं यहाँ पे ना एक चीज और कैलकुलेट करवाना चाह रहा हूँ. तो पहले इतनों को ही टोटल वेरिएंस देख लें जी. फेवरेबल का टोटल बता दें और फिर बाद में एडवर्स का टोटल भी बता दें. एडवर्स का वैसे मैंने किया है 9433 आप चेक कर लीजिएगा कि यही है 4670. तो जब मैं इसमें से 4670 लेस करूंगा तो ये आ गया 4763 एडवर्स. और एडवर्स आपके एक्चुअल प्रॉफिट या कंट्रीब्यूशन को कम करेगा. तो आपका कंट्रीब्यूशन आया हुआ है आगे जो है 116270 उसमें से हम ये लेस कर दें तो ये आता है 111507. अब इसको हम नाम क्या देंगे. इसका नाम होगा एक्चुअल कंट्रीब्यूशन. तो आप चाहें तो डाटा में से एक्चुअल कंट्रीब्यूशन भी चेक कर सकते हैं कि कितना है. तो मैं आपको डाटा पे ले जाता हूं एक्चुअल कंट्रीब्यूशन. तो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन निकालना है तो क्या करें रेवेन्यू में से सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें या दूसरे लफ्जों में इन दोनों को ऐड कर लें. क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि प्रॉफिट के अंदर अगर फिक्स्ड कॉस्ट ऐड कर दें तो वो कंट्रीब्यूशन बनता है. तो प्रॉफिट आपने निकाला हुआ है 39107 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट 72400. तो ये आंसर आया 111507. तो देखें ये 111507 ही है ना. तो ये आपका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन भी आ गया यहाँ पे 111507. तो इसीलिए मैंने फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस को थोड़ी देर के लिए वहां से हटा दिया था. अब इसमें से हमने फिक्स्ड कॉस्ट लेस करनी है तो प्रॉफिट आ जाएगा क्योंकि कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट लेस करें तो प्रॉफिट आ जाएगा. जिस तरह प्रॉफिट के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट ऐड करें तो कंट्रीब्यूशन आता है. तो अगर उसी इक्वेशन में कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर दें तो प्रॉफिट आ जाएगा. तो यहां पे अब हमें एक वर्किंग करनी है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स. बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स आपको दिए हुए थे क्वेश्चन में 75,000 और फिक्स्ड ओवरहेड का एक वेरिएंस होता है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और वो वेरिएंस था 2600 फेवरेबल. तो जब मैं बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट में वेरिएंस एडजस्ट करूंगा तो आंसर आएगा एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स. तो मुझे आप ये बताइए कि ये जो फिगर है ये 2600 फेवरेबल ऐड होगा या लेस होगा. जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कि 2600 फेवरेबल जो है वेरिएंस वो इस फिगर में 75,000 में ऐड होगा या लेस होगा. फसी शाबाश काशिफ आपको ना मार पड़ने वाली हुई हुई है. आपका ध्यान नहीं है आप हमेशा गलत जवाब देते हैं. हसन खान ठीक है आसिम का आंसर भी ठीक है
सोबिया का, नवरेज का ठीक है, जैनब का आंसर भी ठीक है, ताहा गलत आंसर बताया आपने। आप फिर बात को पिक नहीं किया। चलें ध्यान करें, जिन्होंने आंसर नहीं बताया ना उनसे आप बहुत अच्छे हैं कि आपने कम से कम आंसर तो बताया है। जी बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट कितनी है? 7500। अब इसी कॉस्ट का वेरिएंस फेवरेबल आया तो क्या मतलब है, एक्चुअल कॉस्ट कम हुई होगी या ज्यादा हुई होगी? जिन्होंने गलत आंसर बताया ना उन लोगों से ही सवाल है कि 75,000 आपने बजट किया था और आपने कहा कि मेरा एक्सपेंस 2600 कम हुआ है। फेवरेबल वेरिएंस कॉस्ट का क्या मतलब है कि कॉस्ट कम आई है, तो इसका मतलब है एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड आपके बनेंगे 72,400। यार क्वेश्चन से ही देख लेते आप कि क्वेश्चन के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड कितने हैं, आंसर वही आना है। तो 72,400 है तो 72,400 कैसे बनेगा, लेस करके। और लॉजिक बता चुका हूं कि बजट किया था 75,000 का और आपने कहा अच्छा हुआ कॉस्ट कम लगी, ये अच्छा हुआ, मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, ये मैं बातें आपको बहुत पहले बता चुका हूँ। तो अच्छा हुआ कि 2600 कॉस्ट कम हो लगी, तभी तो आपने इसे फेवरेबल का नाम दिया ना। तो इसका मतलब है एक्चुअल कॉस्ट बजट से कम थी और वो वैसे भी आप क्वेश्चन में देखें तो एक्चुअल कॉस्ट उसने दी हुई है। अब एक स्टूडेंट हो सकता है ये सवाल पूछ ले कि सर अगर दी थी तो मैंने क्यों फाइंड की? भाई इसलिए फाइंड की कि ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में डायरेक्टर्स को हमने हर वेरिएंस दिखाना है। तो अगर मैं एक्चुअल कॉस्ट वैसे ही लिख लेता तो उनके जहन में ये 2600 की बात आनी कभी नहीं थी कि ये 2600 भी हुआ होगा। तो हम चाहते तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन हम लिखते नहीं है क्योंकि हमारा क्या कॉन्सेप्ट था, ऑल पॉसिबल वेरियंसिस को रिपोर्ट करें। तो इसलिए मैंने वेरियंस लिखा भी कि भाई बजट इतना था, एक्सपेंडिचर वेरिएंस इतना हुआ, जिसके नतीजे में एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट ये बनी। तो जब मैं इसमें से लेस करूंगा तो ये आंसर एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। और अब आप माइनस करके देखें क्या ये वही आता है, 39,107 था आई थिंक। तो ये देखें जरा 39,107 आता है। तो अगर ये आ गया तो आपका जो मकसद था वो पूरा हो गया कि बजटेड प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट के साथ रिकंसाइल करना है। तो बजटेड और एक्चुअल दोनों चीजें टैली हो गई। जी ताहा, काशिफ और एक कोई और बच्चा था जिसने गलत आंसर दिया था। तो कॉस्ट में अगर एडजस्ट करना है वेरिएंस तो कुछ और रूल है, प्रॉफिट या कंट्रीब्यूशन में एडजस्ट करना है तो कोई और रूल है। तो देखें अब टाइम नहीं लगा, अब 10 नंबर के हिसाब से टाइम बहुत कम लगा है कि हमने जस्ट फिगर्स को लिखा है, हमने वर्किंग तो ऑलरेडी कर ली थी। अब बता दें आपको ये फॉर्मेट क्लियर हो गया, तो ये फॉर्मेट आपने याद करना है। ये मेरे वाला फॉर्मेट बुक वाले फॉर्मेट से थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि मैंने ना ये वॉल्यूम वेरिएंस को एडजस्ट करके भी इस चीज का एक नाम रखा है और इसी तरह मैंने प्राइस वेरिएंस को एडजस्ट करके भी इसका एक नाम दिया है। और ये टर्मिनोलॉजी आपको एमसीक्यूज में बड़ी मदद देगी। अच्छा एक स्टूडेंट ने कहा है कि सर बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट को ऊपर ऐड क्यों किया था? क्योंकि कंट्रीब्यूशन बनाना था। अब कंट्रीब्यूशन क्यों बनाना है? क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में जब आपको मैंने चैप्टर पढ़ाया मार्जिनल और अब्सॉर्प्शन, तो वहां कॉन्सेप्ट दिया था कि मार्जिनल में कॉन्ट्रीब्यूशन फाइंड करना जरूरी होता है। तो भाई क्योंकि मार्जिनल में कॉन्ट्रीब्यूशन फाइंड करते थे तो मार्जिनल कॉस्टिंग की जब ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बननी है तो उसमें भी कॉन्ट्रीब्यूशन कोई नजर तो आए ना, तो इसलिए कंट्रीब्यूशन बनाया है, इसीलिए मैंने फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड किया था। जी और कोई सवाल हो आपका तो बताएं।
अब आप टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 9 आपने करनी है, तो आप देखेंगे कि उसके डाटा में ना उसने सारे वेरियंसेस दे दिए हैं, आपसे बस ये कहा है कि एक्चुअल प्रॉफिट बता दें, तो बाकी चीज़ें दी हुई हैं, बजटेड प्रॉफिट भी दिया है, सारे वेरियंसेस दिए हुए हैं, तो आपने ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लेना है और फॉर्मेट में वैल्यूज पुट कर देनी है, तो जो आंसर आएगा वो एक्चुअल प्रॉफिट होगा, उसे सॉल्यूशन से मैच कर लीजिएगा। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 9, इसी तरह टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 10 है वो भी आप करें, 11 भी बिल्कुल सिंपल है, सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट होने हैं और आखिर में फॉर्मेट दिया हुआ है उसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो आपने आज 3 सवाल हल करने हैं, अगर तो इलस्ट्रेशन भी दोबारा कर लें तो ठीक है, अदरवाइज टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 9, 10 और 11, ठीक है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 9, 10 एंड 11, तो ये तीनों आपसे हो जाएंगे, ना हो तो मुझे बता दीजिएगा कल। सोल्यूशन इनका मौजूद है तो आप सोल्यूशन से देख के भी अपनी कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। काशिप पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, पीडीएफ वगैरह जो मेरे करने के काम है ना वो मैं कर लेता हूँ, अपने करने के काम पे ध्यान दिया करो, जब भी सवाल का जवाब देते हो गलत देते हो, डिमांड सबसे ज्यादा है आपकी। जी शाबाश, अगर ऑलरेडी 9, 10 कर ली थी तो नो इशू, आप 11 कर लीजिएगा। पढ़ाया तो ऑलमोस्ट सारा ही हुआ था, बस इस फॉर्मेट में वैल्यूज पुट करनी है, तो वो आपने अगर कर लिया ऑलरेडी बहुत अच्छी बात है, आप टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 11 कर लीजिएगा। अभी वेरिएंस वाले चैप्टर में कोई 2-4 बातें रहती हैं, नेक्स्ट वीक में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, एमसीक्यूज वगैरह भी हो जाएंगे। अपने तौर पे करना चाहें तो जो जो एमसीक्यूज आपको लगे कि ये मैंने पढ़ा हुआ है वो आप कर सकते हैं, आपसे हो जाएगा, कोई उसमें इशू नहीं आएगा। सिर्फ एक तरह के एमसीक्यूज आपसे नहीं होंगे, अभी कुछ लोगों से तो हो जाएंगे लेकिन हो सकता है कि बाकियों से ना हो, वो वर्किंग बैकवर्ड है, तो वर्किंग बैकवर्ड अभी हमने पढ़ना है, इसमें वो हम नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं आपको मज़ीद कुछ नहीं पढ़ा रहा, इतना ही काफ़ी है। जी क्वेश्चन आंसर हैं तो आप पूछ लें। पीडीएफ बन गया, मैं आपके साथ गूगल क्लास में शेयर कर दूंगा। जी बच्चों कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर क्लास एंड करते हैं, अगर क्वेश्चन है तो पूछ लें। तो
कोई मसला नहीं है, जितने मर्जी हो क्वेश्चन हम करेंगे तो फिर ही हम इस काबिल होंगे ना। तो पेपर में भी आते हैं बैकवर्ड के, तो स्टेप बाय स्टेप हम करते जा रहे हैं सारा कुछ। तो ज्यादा हो कम हो, एक भी सवाल होता तो हमने करना तो था, ज्यादा है तो भी कोई मसला नहीं है, बस उस चीज को क्लियर करें जो करवाता जा रहा हूं। काशे फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस को ऊपर प्लस नहीं करना, उसकी रीजन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैंने कंट्रीब्यूशन फाइंड करना है। अगर मैं उसे ऑलरेडी पहले लिख लूं तो मैं एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कैसे बनाऊं, क्योंकि कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन ही ये है कि सेल प्राइस में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की चीजें आनी चाहिए। तो इसलिए आपने फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंस को ऊपर एडजस्ट नहीं करना। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? जिले बास ने आज कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, क्या वो क्लास ले रहा है? कोई उसका आंसर भी नहीं आया नजर। एक स्टूडेंट ने कल मुझे व्हाट्सएप पे सजेशन दी थी कि सर आप ऐसा करें कि सिलेबस जल्दी जल्दी ख़त्म करा के तो हमें रिवीजन के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम दे दें। तो मैंने उस स्टूडेंट को तो बता दिया था, हो सकता है आप में भी कोई ऐसा सोच रहा हो। तो सिलेबस हमारा ऑलमोस्ट वाइंड अप है, नेक्स्ट वीक में एंड हो जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को अभी फ्री नहीं करूँगा, मैं आपको रिवीजन कराऊँगा, रिवीजन प्लान आपके साथ शेयर करूँगा, और फिर जो जो टॉपिक रिवाइज करते जाएंगे उसका क्लास के टाइम में ड्यूरिंग क्लास ही टेस्ट लूंगा। तो जो टॉपिक हम रिवाइज करेंगे नेक्स्ट डे स्टार्टिंग में सबसे पहले टेस्ट होगा, और फिर उसी वक्त टेस्ट का रिजल्ट भी दे दूंगा, और टेस्ट का रिजल्ट डिस्कस करके फिर हम अगले टॉपिक को रिवाइज किया करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं आपको, जब तक आपकी बाकी क्लासेस चल रहेंगी, जिस दिन बाकी क्लासेस भी खत्म हो जाएंगी मैं उस दिन एंड कर दूंगा, लेकिन सिलेबस मेरा ऑलमोस्ट फिनिश है, सिर्फ छोटी छोटी चीजें रहती हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीक में सारी करवा देनी है, और फिर हमने उसको प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव वे में रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो आपको ये सब्जेक्ट ऐसा होगा कि आपको एंड पे इसका बर्डन नहीं होगा, तो आप बस इसको साथ साथ करते जाएंगे, तो पेपर में बेशक वैसे ही जाके बैठे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। एग्जैक्ट डेट जो है आपको पता है कि एग्जाम का सर्कुलर जब इशू होगा तो उसी में लिखी होती है, उससे पहले एग्जैक्ट डेट का कोई आइडिया नहीं है। आपके बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेबस जो है वो भी ऑलमोस्ट कवरेज के करीब करीब ही होगा, जैसे ही आपके बाकी क्लासेस ऑफ होंगी मेरी तरफ से भी आप फ्री हो जाएंगे, लेकिन मैंने एफिशिएंसी के साथ आपको सिलेबस वेल इन टाइम ख़त्म किया, तो इसी वजह से मैंने रिवीजन के लिए भी टाइम बचा लिया बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हम उसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो आपका काम है बस रोज का रोज जो काम करवाया जाए वो करें। रिटर्न पेपर तो अब आपको पता है रह कोई नहीं गए, सारे के सारे सीवी पेपर हो गए हैं, तो अभी पहले आपके अभी ऑलरेडी जो पेपर 9-2 के जो नेक्स्ट 9 पेपर्स हैं उनके पेपर हुए हुए हैं, रिजल्ट आ जाएगा उनका 10-15 दिन तक, तो उसके बाद फिर आप लोगों के पेपर हो जाएंगे और फिर उसके बाद दोबारा उनके पेपर हो जाएंगे, तो वो पेपर भी आप समझें कि सितंबर लास्ट में टेंटेटिवली, एग्जैक्ट नहीं मैं कह रहा, टेंटेटिवली सितंबर में या सितंबर लास्ट पे वो भी हो जाएंगे।
बेटा सारा कुछ रिवाइज होगा रिवीजन में। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि सिर्फ तीन चार टॉपिक रिवाइज कर दिया आपने, आप जानते हैं कि मुझे सारा सिलेबस बहुत अच्छी तरह आता है, तो मैं इंशाल्लाह रिवीजन में भी आपको सारा सिलेबस कराऊंगा कि पहले कॉस्ट क्लासिफिकेशन थी, फिर ये था, उसी तरह सारे टॉपिक रिवाइज होने हैं। लेकिन बस फर्क इतना होगा कि वो विद इन आवर रिवाइज हो जाया करेगा। लेकिन उससे पहले ना रिवीजन में आने से पहले आपने रेगुलर लेक्चर मस्ट सुने हो। जिन लोगों ने जैसे कॉस्ट क्लासिफिकेशन अगर आपका मिस हुआ है तो आपने कॉस्ट क्लासिफिकेशन के सारे लेक्चर जरूर सुनने हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो काम मैंने 9 या 10 घंटों में करवाया वो मैं 1 घंटे में सारी बातें बताऊंगा। मैं मेन मेन सारा कुछ रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन वो नेमल बदल नहीं है रेगुलर लेक्चर का। तो रेगुलर लेक्चर्स को सुनने के बाद रिवीजन में पहुंचना है। जी एग्जाम के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन हो रही है आपकी, हर हर काम एग्जाम के लिहाज से। आपको पेपर में बैठ के सवाल देख के याद आएंगी बातें, तो वो सारी के सारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। इवन जो मेरी डिस्कशन है वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। जी मेन आउटलाइन का हमारा ये लास्ट चैप्टर ही है, सिर्फ वो दो छोटी छोटी चीजें हैं डाटा क्लासिफिकेशन और इस तरह की, वो हम डिस्कस करेंगे। फसी और काशिफ शुक्रिया। चलें ठीक है जी, क्लास को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।